पंजाब असेंबली लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीरे कानून पंजाब का कहना था कि बाबर अवान ने पंजाब बैंक को लूटा, अदालत उज़्मा का मजाक उड़ाने के बावजूद मुआफ़ी मांगने पर मुआफ कर दिया गया। निहाल हाशमी तो बाबर अवान के मुकाबले में धूध के धुले हैं। मुशर्रफ ने जजीज को कैद किया, उन पर तोहीन अदालत नहीं लगा, वो दंदना रहे हैं। बाबर अवान है, कौन कहता है कि ये इसने जो है वो जजेस के नाम पे 3.5 करोड़ रुपया पंजाब बैंक के डाकुओं से नहीं लिया, जाके दुबई में सबूत मौजूद है। फिर उसके बाद इसने अदालत के बाहर खड़े होकर मजाक उड़ाया और वहां पे इसको गैर मशरूत माफी दी गई। वज़ीरे कानून पंजाब सियासी मुखालफिन को भी आड़े हाथों लेना नहीं बोले, कहा साजिशी कुवतें जमहूरियत को डीरेल करने की साजिश कर रही हैं। लाहौर के मुजाहरे में किसानों को लाने के लिए किसान रहनुमाओं को करोड़ों रुपए की ऑफर दी गई, लेकिन साजिशी कुवतें कामयाब नहीं हुई। 23 तारीख को जो है वो फिर किसानों का जो है वो यहाँ पे एहतजाज शुरू कराने की मनसूबा बंदी थी और उस मनसूबा बंदी के तहत किसानों की जो लीडरशिप है उनको बकायदा करोड़ों रुपए की ऑफर्स की गई। राणा सनाउल्ला ने कहा बसंत एक शर्त पर होगी कि काइट एसोसिएशन लिख कर दे कि किसी की गर्दन कट जाए तो फिर उनके ओहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया जाए। कैमरामैन उस्मान यासीन के साथ मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़ लाहौर।